इज डॉक्टर के एस ओलख आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है विच इज द मोस्ट कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड यस सही सुना आपने द मोस्ट कॉमन डिजीज इन द वर्ल्ड विच इज पुअरली डायग्नोस जिसको हम राइट right टाइम पे डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हैं विच इज मोस्टली मिसमैनेज वेरी डेंजरस एंड पुअरली अंडरस्टूड बट द गुड न्यूज इज इट इज रिवर्सिबल अगर आप इसको डायग्नोज कर पाओगे तभी आप इसको रिवर्स कर पाओगे सो मोस्ट कॉमन डिजीज जो हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में विच अकाउंट फॉर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ अवर टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट प्री डाइबिटीज एंड डायबिटीज हाइपर टेंशन कार्डिवेस्क प्रॉब्लम स्ट्रोक डिसलिपिडीमिया फैटी लिवर नैश नॉनलकोलिक स्टैटोहेपेटाइटिस एंड लेटेस रोसिस Uh, erectile dysfunction, PO PCOD, uh, Alzheimer disease, and various types of cancer. These all diseases, these all chronic diseases, they have one thing in common, and that is IR, which is insulin resistance. Prediabetes and diabetes is insulin resistance at the level of liver cells, muscle cells. Fat cells, hypertension, uh, cardiovascular problems, stroke, insulin resistance at the level of heart and blood vessels, dyslipidemia, fatty liver, NASH, cirrhosis, insulin resistance at the level of liver, erectile dysfunction, PCOD, polycystic ovarian disease, insulin resistance at the level of ovaries, Alzheimer's disease. डिमेंशियानाइल डिमेंशिया विच इज इंसुल रेजिस्टेंस एट द लेवल ऑफ ब्रेन एंड कैंसर मैनी कैंसर हैव बिन लिंकडअप विथ हाई इंसुलिन लेल्स एंड इंसुलिन रेजिटेंस सो दीज ऑल डिजीजेज है थिंग इन कॉमन एंड दैट इज इंसुल रेजिस्टेंस सो मेरा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप इसको डायग्नोसिस कैसे करें कौन से लैब टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम सही समय पर इसको डायग्नोस कर सकें एंड मोस्ट ऑफ डिजीज डीज डिजीजिस जो भी मैंने नाम लिए दे मे हैव जेनेटिक कंपोनेंट्स, बट दे आर लिंक्ड अप सो टाइटली लिंक्ड अप विद योर ईटिंग हैबिट्स एंड दीज ईटिंग हैबिट्स आर पुलिंग द ट्रिगर जेनेटिक कंपोनेंट मे प्ले रोल बट यूर ईटिंग हैबिट्स जो आपको आगे डिस्टर्ब कर रही हैं और आगे ये बीमारियाँ कर रही हैं विच कैन बी चेंज विच कैन बी मॉडिफाइड और इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम रिवर्स कर सकते हैं इसको कैसे रिवर्स करना है ये एक मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा आज मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसको so आज जो मेन टॉपिक था मेरा वो ये था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपने कैसे डायग्नोस करना है बहुत सारे टेस्ट इसमें जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हर लैब कर रही है बट वो नाम आपने नहीं सुने होंगे अगर हम इसको सही समय पे डायग्नोस नहीं करोगे तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो वन इन थ्री ऑफ अस इज इंसुलिन रेजिस्टेंट हम तीन लोगों में से एक चाने को इंसुलिन रेजिस्टेंस है एंड नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द पीपल दे डोंट नो इट कि उनको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है सो so, सबसे पहले अगर आपने किसी डिजीज को रिवर्स करना है तो सबसे पहले ये जानना तो जरूरी है ना ये आपको है कि नहीं है सो so, वो टेस्ट में आज डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें सबसे पहला टेस्ट है व्हाट इज इट होमाइार स्टैंड फॉर होमाई होमियोस्टेटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस सो एक्चुअली ये हम इस, इस टेस्ट में हम आपके फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स देखते हैं और साथ में फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स देखते हैं और उसको एक कॉन्स्टेंट है जिससे हम डिवाइड करते हैं जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स होंगे वो मिलीग्राम पर डेसी लीटर में ये किसी अगर और यूनिट्स में होंगे तो इसका कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा जो अभी हम डिस्कस करते हैं फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स मिलीग्राम पर डेसी लीटर में फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स माइक्रो यूनिट्स पर लीटर में डिवाइडेड बाय अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज़ फोर जीरो फाइव सो ये एक वैल्यू आ जाएगी इसको अगर इसकी नॉर्मल जो होमा आई की वैल्यू होती है होती है जीरो पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव सो so, इसमें अगर हम टेस्ट कराते हैं तो क्या पता चलता है मैं डिफरेंट स्नेरियोस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जहां पे आपको पूरी समझ आ जाएगी कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो अब मैं होम आई आर टेस्ट करवाने जा रहा हूं मेरे मेरे फास्टिंग ग्लूकोज चेक हो गए मेरी फास्टिंग इंसुलिन चेक हो गई और वो एक फॉर्मूले में हमने चेक कर लिया कैलकुलेशन से मेरा होम आई आर लेवल क्या है अब अगर मेरे ग्लूकोज फास्टिंग लेवल्स भी सही आ रहे हैं से अराउंड एट्टी टू नाइनटी के बीच में मेरी फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स भी सही हैं से बिटवीन अराउंड 1.1 टू 4.4, पॉइंट फोर से नीचे नॉर्मल और मेरा एच बी वन सी भी सही है इसमें अराउंड 5.1 5.2. सो दिस काइंड ऑफ पीपल ये क्या पता चल रहा है यहाँ पे, उसके ग्लूकोस लेवल्स भी सही हैं फास्टिंग इंसुलिन भी सही है, है होम आर आई आर सही आ रहा है एच बी वन सी भी हमने देखा वो भी सही आ गया लेस देन फाइव पॉइंट सेवन So, मतलब दीज पीपल आर क्वाइट सेंसिटिव टू इंसुलिन सो बेसिकली होमा आई आर हमें यह टेस्ट बताता है कि कि आपके ग्लूकोज लेवल्स और आपके इंसुलिन लेवल्स मैच कर रहे हैं कि नहीं मैं कर रहे एक वो होमियस्टेसिस्ट लाइक इन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है अगर मुझे एक मॉलिक्यूल चाहिए इंसुलिन का टू ट्रांसफर फाइव और सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन टू द सेल्स फ्रॉम द ब्लड तो मैं इसको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सो so, ये पर्सन क्वाइट इंसुलिन सेंसिटिव है अब अगर यही के लिए इसी इसी का ऑपोजिट, इफ इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो मुझे अगर फाइव टू सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन चाहिए टू टू मूव फाइव टू सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इन टू द सेल्स कहां पर एक बंदे को एक इंसुलिन से वो काम चल रहा था कहां पर वही काम करने के लिए पांच से छ यूनिट्स पांच से छह मॉलिक्यूल इंसुलिन वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब दिस पर्सन नीड्स मोर इंसुलिन टू कीप हिज और हर ग्लूकोज लेवल्स इन चेक यानी कि अगर अब उसके ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल से ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है तो इसी को हम कहेंगे इंसुलिन रिजिस्टेंस जहां पे वही शुगर मेंटेन करने के लिए अब पेनक्रियास और बॉडी की एफर्ट्स ज्यादा लग रही हैं। सो so, इस केस में हमने क्या देखा फास्टिंग नॉर्मल है इंसुलिन नॉर्मल है सो so, इसका मतलब दैट पर्सन इज वेरी सेंसिटिव सेल्स उसके बहुत सेंसिटिव हैं टू इंसुलिन अब नेक्स्ट मेरी डिस्कस करते हैं जहां पे उसके ग्लूकोस लेवल्स फास्टिंग के सही आ रहे हैं से अराउंड नाइन्टी इंसुलिन फास्टिंग बढ़ने लगी है मोर देन फोर से अराउंड सिक्स आ रही है सेवन आ रही है और एच बी ए वन सी कुड भी नॉर्मल और कुड भी हाई बट अभी यहाँ पे क्या पता चला कि उसके इंसुलिन लेवल फास्टिंग में ज़्यादा हो रहे हैं अब अगर यही पेशेंट बाहर टेस्ट करवाता अपना किसी पैकेज में या फास्टिंग ग्लूकोज चेक कराता है तो उसकी एटी आती है वो बहुत खुश होता है भाई मेरे तो बहुत सही रीडिंग आ रही है बट जब उसके इंसुलिन लेवल्स चेक किए जाते हैं तो वो हाई होते हैं इसका मतलब ये है बॉडी उसके वो 80, 90 जो शुगर लेवल्स मेंटेन करने के लिए पैंथ्रियाज इज ट्राइंग वेरी हार्ड वो इंसुलिन ज्यादा बना रहा है ताकि उसकी शुगर मेंटेन रहे उसकी शुगर वो प्री डायबिटीज या डायबिटीज लेवल में ना पहुंच सके तो जब वो सेल्स अगर ज्यादा इंसुलिन बन रही है तो एक टाइम ये भी आता है सेल्स स्टार्ट्स एग्जिस्टिंग इंसुलिन और सेल्स जब बहुत एग्जिस्ट करते हैं ग्लूकोज एंटर नहीं हो पाता है तो प्री डायबिटीज और डायबिटीज और कार्डियोवेस्को डिजीज और जिन डिजीज के मैं नाम गिनाए थे आपको वो सारी सामने आने लगती हैं सो so, इस केस में क्या हो रहा है इस केस में इंसुलिन लेवल्स बढ़ रहे हैं अगर यहाँ पे होमा आई ज्यादा आ रहा है तो आपने टेस्ट कराया आपका होमा आई लेवल जो ज्यादा आ रहा है से अराउंड मोर देन टू तो आपको बहुत साल पहले पता चल गया कि भाई मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है आज चाहे मेरे शुगर लेवल्स नॉर्मल है हो सकता है मेरी खाने की शुगर बार जो बाद में हम करते हैं वो बढ़ रही हो या मेरा ए वन सी धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया कहाँ वाई फाइव पॉइंट टू था फाइव पॉइंट सेवन को क्रॉस करके सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव तक पहुँच रहा है तो चाहे मेरी फास्टिंग नॉर्मल भी है आई एम इन ट्रबल जो एक्शन लेना होगा मुझे आज ही लेना होगा बाद में जब डायबिटीज़ फुल ब्लोन्ड डायबिटीज़ हो जाएगी या कार्डियोवेस्कोल डिजीज़ हो जाएगी या और डिज़ीज़ हो जाएंगी लाइक फैटी लिवरस तो बहुत मुश्किल होता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना बट टुडे इज द राइट टाइम जब भी आपको पता चला है कि मेरा होम आई लेवल ज्यादा आ रहा है आई एम इंसुलिन रिजिस्टेड तो आप यहां पे एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है इस टॉपिक पे कैसे इसको रिवर्स करना है मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा वो हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे आज का मेरा पार्ट यही है कि इसको डायग्नोसिस कैसे करना है सो सेकेंड सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे ग्लूकोज भी नॉर्मल था ए वन सी थोड़ा सा हाई हो सकता है प्री डायबिटीज की तरफ ए वन सी नॉर्मल भी हो सकता है बट अगर आपका होमा आई ज़्यादा आ गया इंसुलिन लेवल फास्टिंग ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये दो चीज़ें चेंज हो गई या आपकी फास्टिंग ग्लूकोज चेंज होगी होम आई को चेंज करने के लिए या आपकी फास्टिंग इंसुलिन चेंज होगी इन दोनों में कोई भी फैक्टर इंक्रीज होगा तो ये इसको चेंज इसकी चेंजेस आ जाएंगे टेस्ट रीडिंग्स में अब तीसरा एक डायबिटीज़ का केस है फुल ब्लोन टाइप टू डायबिटीज जिसमें ग्लूकोज फास्टिंग बहुत हाई है से टू हंड्रेड टू फिफ्टी इंसुलिन लेवल्स भी हाई हैं अराउंड सेवन एट मोर देन एट ए सी भी हाई है सो यहाँ पे क्या है यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि टाइप टू डायबिटीज़ है ग्लूकोस लेव, लेवल्स भी बढ़ गए इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत है पेनक्रियास इंसुलिन और बना रहा है उस ग्लूकोज बढ़ते हुए ग्लूकोज को देख के और साथ में साथ ही वंशी बढ़ रहा है सो so, इस केस में भी हम एक्शन ले सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक आ, अपनी लाइफ चेंज करके डाइट चेंज करके वो मैं डिस्कस करूँगा सो so, एक चौथा स्नैरी और डिस्कस करते हैं जहाँ पे ग्लूकोस लेवल्स बढ़ रहे हैं मेरे पास बहुत पेशेंट्स हैं देख रहा हूँ मैं जिनके ग्लूकोस लेवल अराउंड टू हंड्रेड टू फिफ्टी रह रहे हैं ए वन सी बी नाइन टेन के आसपास पहुँचा हुआ है बट जब हम फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करते हैं तो तो उसमें नॉर्मल आ रहे हैं फास्टिंग से अराउंड टू आ गया उसका सो so, इसमें रीडिंग तो चेंज होगी क्योंकि फास्टिंग ग्लूकोज हाई है वो तो चेंज होगा बट अगर इसमें इंसुलिन लेवल नॉर्मल है या लो नॉर्मल है तो क्या सिचुएशन बनती है इस सिनेरियो में यह पता चल रहा है उसका हुमायर तो चेंज होगा बिकॉज फास्टिंग ग्लूकोज चेंज हो रहा है बट इंसुलिन उतना इफेक्ट क्यों नहीं पा कर पा रही है इंसुलिन क्यों नॉर्मल आ रही है वो पेशेंट कहेंगे सर हमारी इंसुलिन तो नॉर्मल इसका मतलब वी आर नॉट इंसुलिन रेजिस्टेंट तो हमारी शुगर कैसे बढ़ रही है दिस इज नॉट द केस ये स्पेशली हम देखते हैं लेट डायबिटीज में जिनको दस साल पंद्रह साल बीस साल हो गए डायबिटीज और वहां पे क्या देर सेल्स बीटा सेल्स स्टार्ट डाइंग ऑफ इतने सालों की वो मेडिसिन ले रहे हैं या अपनी डाइट चेंज नहीं कर पा रहे हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन भी चलते रहे तो इतने सालों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती गई तो एक टाइम ऐसा आ जाता है यहाँ पे बीटा सेल्स स्टार्ट डाइंग ऑफ दे आर नॉट एबल टू मेक मोर इंसुलिन सो वो जब दो का लेवल आ रहा है ए वन सी बढ़ रहा है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बढ़ रहे हैं आपके बट आपकी इंसुलिन नॉर्मल और लो नॉर्मल में आ रही है तो इसका मतलब है अगर आप अपना खाने पीने का ढंग अभी भी चेंज नहीं करोगे तो इन फ्यूचर यू नीड इंसुलिन अभी उस पेनक्रियास के पास इतनी कैपेसिटी नहीं रही कि वो इतनी इंसुलिन बना सके कि आपकी शुगर लेवल को मेंटेन कर सके सो so, ये चौथा स्नैरियो भी हमारे पास सामने आता है so, सो ये एक टेस्ट हो गया था होमा यर इसमें क्या देखते हैं फास्टिंग ग्लूकोज एंड फास्टिंग इंसुलिन वो कैलकुलेशंस करते हैं तो उससे हम एक वैल्यू जनरेट करते हैं जो बताती है आप कितने इंसुलिन रेजिस्टेंट हो नेक्स्ट एक और टेस्ट है जो कॉस्ट इफेक्टिव है और जो आप रूटीन में करवा रहे होते हो बस उसका उसको मैच uh, नहीं कर पाते आपस में सो so, अभी हमने उसको रिलेट करना है और वो एक फार्मूला है uh, आप गूगल में जाओगे सर्च करोगे वो कैलकुलेशंस वो आ जाएगी आप अपनी रीडिंग फिट करनी है और वो आ जाएगा वो है टाइग इंडेक्स व्हाट इज़ टाइग इंडेक्स इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड्स एक नंबर एंड फास्टिंग ग्लूकोज दो नंबर और एक फार्मूला वो आपको मिल जाता है आप गूगल में सर्च करो रहे टाई इंडेक्स कैलकुलेटर वो आ जाएगा आपने रीडिंग्स फिल करनी है वो आपको कैलकुलेशंस बता देगा नॉर्मल वैल्यू बिटवीन फोर टू एट अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है ही है डायबिटीज का खतरा तो बना ही रहेगा साथ में साथ आपको ये प्रोडिक्ट करता है कार्डियोवेस्कुर रिस्क आपकी जो हार्ट अटैक के चांसेस है एथलोस्कलोस के चांसेस हैं वो आपको बताता है सो so, ये आपको कार्डियोवेस्कुलर रिस्क भी बता रहा है आप कितने रिस्क पे हो और ये आपको डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ फैटी लिवर आ, उसका भी रिस्क बता रहा है कि कितना रिस्क है सो इन जनरल ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है सो so, अगर आपने अपना कोई पैकेज कराया उसमें आप देखो अपना फास्टिंग ग्लूकोज कितना है आप उसमें देखो आपके फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं तो आप उसको इस फॉर्म जो कैलकुलेशन जो मैंने बताया गूगल पे इसका कैलकुलेटर है टाइग इंडेक्स का उसमें डालो उसमें देखो आपकी रीडिंग क्या आ रही है so, सो ये दो टेस्ट तो आपको लैब में करवाने पड़ेंगे होम आईर नॉट कॉस्टली अराउंड 500 हंड्रेड टू थाउजेंड रुपीज़ में ये टेस्ट हो जाता है और मुझे लगता है ये साल में इफ़ यू आर अबव थर्टी तो आपको ये साल में एक बार करवाना चाहिए टाइक इंडेक्स तो हम अक्सर पैकेज करवाते रहते हैं जहाँ पे लिपिड प्रोफाइल होता है और आपका फास्टिंग ग्लूकोस भी होता है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो एक और सस्ता और इफ़ेक्टिव टेस्ट जो आप घर बैठे कर सकते हो दैट इज़ योर पोस्ट पैंडियल रीडिंग्स अरे बड़ा कुछ बताती मैं हर वीडियो में बताता हूँ पोस्ट पैंडल रीडिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपने खाना खाया आप उसके बाद जस्ट दो तीन महीने में एक बार जरूर चेक करो कि अपना जो मील ले रहे हो शुगर की रीडिंग को आपको कहाँ तक लेके जा रहा है सपोज पहले आपके खाने के पहले रीडिंग सौ है और खाने के एक घंटे बाद वो दो सौ ढाई सौ जा रही है और उसके बाद आप देखो वो वापस सौ पे आने में कितना टाइम ले रही है जो पीक होती है जो स्पाइक होती है ये एक्चुअली हमें इंसुलिन रिलीज के बारे में बताती है कि कितना इंसुलिन आ रहा है फ्रॉम द पेनक्रियाज अब हाउ मच टाइम योर लू स्टेज इन द ब्लड जो खाने से आया है वो कितनी देर शुगर आपके ब्लड में रह रही है वो बताता है आप कितने इंसुलिन हो सपोज आपकी पीक टू हंड्रेड वे शुरू आपने हंड्रेड से किया और ये वापिस हंड्रेड पे कितनी देर में आती है नॉर्मली वो सी आफ्टर टू आवर्स ये हंड्रेड पे वापिस आनी चाहिए बट अगर ये रीडिंग को वापिस आने में आपके तीन घंटे या चार घंटे लग रहे हैं देन इट मींस योर इंसुलिन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली वो ग्लूकोज अभी भी ब्लड में स्टे कर रहा है सो दैट इज ए साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस सो so सिंपल बड़ा सिंपल टेस्ट है घर में आप कर सकते हो बेसाइड होम आई आर एंड टैग इंडेक्स वेस्ट साइज यस इट मैटर्स बिकॉज जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हो तो आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और जब आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं तो ये प्रमोट करते हैं फैट बिल्ड होनी स्पेशली अराउंड योर अबडोमिनल एरिया सो आपका वेस्ट साइज बढ़ने लगता है एंड इफ इट इज मोर देन थर्टी फाइव इंच वीमेन तो यू कुड बी इंसुलिन एक और टेस्ट छोटा सा जो आप नॉर्मली रूटीन कराते हो लिवर फंक्शन टेस्ट उसमें भी हमें आइडिया हो सकता है अगर आप अपना ए एल टी जिसको हम एस सी पी टी भी बोलते हैं वो चेक करो फिट इज मोर देन से आई विल से ट्वेंटी फाइव जो रेफरेंस लिखी होती है इसमें तो फोर्टी फाइव कहते हैं बट इफ इट इज मोर देन ट्वेंटी फाइव ए एल टी आपका बढ़ रहा है कुड बी फोटी फिफ्टी वन सिक्सटी रेंज में है ये आपका एन ए एफ एल डी का साइन हो सकता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज सो विच इज़ अगेन लिंक्ड अप विथ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाई इंसुलिन लेवल्स सो ये चार टेस्ट जिस पे आप पता कर सकते हो इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है सो so बिफोर अगर आप डायग्नोसिस नहीं करोगे तो उसको कैसे ट्रीट करोगे सो so सबसे पहले हम ये आप किसी भी हॉस्पिटल्स में देखो जाके कितनी एडमिशंस हो रही हैं उनमें से कौन कौन से केसेस हैं और कितनी डेथ्स हो रही हैं और जो मैंने डिजीज़ आपसे डिस्कस की 70 टू 75 परसेंट जो हमारी हॉस्पिटल्स की कॉस्ट है वो सच फैंसी क्लेवर मेडिसिन जो सिम्टम्स को देख रही हैं रूट कॉस्ट को नहीं देख रही तो आप सोचो हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं दिस इज दिस वीडियो इज़ सो नॉलेजेबल आप इसको प्रमोट करो शेयर करो ये हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि भाई अगर आप अपने रूट कॉज की करेक्शन करते हो तो सिर्फ आप डायबिटीज प्री डायबिटीज को ठीक नहीं कर रहे हो आप उसके साथ साथ अपना लिवर भी हेल्दी कर रहे हो आप बच रहे हो कार्डियोवेस्कुल प्रॉब्लम से हार्ट अटैक से स्ट्रोक से आप बच रहे हो पीसीओडी से रेक्टल डिस्फंक्शन से आप बच रहे हो कैंसर से आप आगे बच रहे हो अल्जाइमर डिजीज से सो so, उससे पहले आप इसको डायग्नोस करना बड़ा ज़रूरी है तो मेरे हिसाब से मैंने तो आपको पूरा बता दिया इसको कैसे डायग्नोसिस करना है सो so, कई टेस्ट जो आपने नहीं भी सुने होंगे आज सुने। वीडियो को दोबारा देखें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लगते हैं वो बनाएं कि भाई ये चीज़ मैंने देखना है अपने में सो गुड लक कुछ आपको चीज़ अच्छी लगी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं आई विल ट्राई टू आंसर थैंक यू